स्टार्ट करना है प्रीनियम। प्रीनियम जो होता है कि एक ऐसा रीजन होता है जो कि ट्रंक के लोअर एंड पे प्रेजेंट होता है और दो थाइस के दरमियान प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि ये जो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ जाते हैं, ठीक है, प्रीनियम के अंदर, ठीक है, प्रीनियम के अंदर क्या आ जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब वो क्या कहते हैं, इसने क्या बना देना है, हमारी जो पेल्विस है ना उसकी लोअर डिवीजन जो है ना वो प्रीनियम ने बना देनी है, जो कि पेल्विक डायफ्राम के नीचे होती है। अब ये समझो, ये देखो, ये एक पेल्विक डायफ्राम होता है, ठीक है, ये इन्होंने दिखाया हुआ है ये तस्वीर में, ये पेल्विक डायफ्राम है, ठीक है, इसके नीचे जो होती है प्रीनियम होती है और ऊपर लगा लो पेल्विक ऑर्गन्स वगैरह होते होंगे, समझ आ गए, ये पार्टीशन है प्रीनियम के दरमियान और ऊपर जो पेल्विक ऑर्गन्स वगैरह उनके दरमियान, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि जो है ना, क्या इसको कहते हैं, हाँ, अब पेल्विक डायफ्राम का उन्होंने बताया हुआ है वो किससे बनता है, ये दो मसल से बनता है, एक लिवेटर इनाई से और कोक्सीजियस से, ये इन दोनों मसल से ना ये वाले पेल्विक डायफ्राम बनाना है जिसने पार्टीशन बना देनी है इन दोनों के दरमियान। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, अब ये वाली जो है ना इसको पेल्विक आउटलेट भी कहते हैं और इन्फीरियर अपर्चर ऑफ द पेल्विस भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रीनियम नीचे है ना तो फिर इन्फीरियर अपर्चर ऑफ द पेल्विस भी हो जाएगा और आउटलेट भी हो जाएगा, ठीक हो क्या। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, मेल्स में जो होती है ना दो ओपनिंग होती हैं, एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लिए होती है और एक उसके लिए होती है, क्या इसको कहते हैं, यानी कि क्या इसको कहते हैं, एक जेनिटल सिस्टम के लिए नहीं, कॉमन ही होती है जो मेल्स में होती है, जेनिटल सिस्टम के लिए भी वही होती है और यूरिनरी सिस्टम के लिए भी वही होती है, लेकिन फीमेल्स के अंदर ना ये दोनों सेपरेट होती हैं, दो ओपनिंग होती हैं, समझ आ गई ये बात नहीं, बल्कि तीन ओपनिंग होती हैं, सॉरी मैंने गलत बताती हूँ, मेल्स के अंदर दो होती हैं, एक यूरिनरी वाली, ठीक है, और एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाली, और जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर तीन होती हैं, एक यानी कि वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाली, एक यूरिनरी वाली और एक वो जो ठीक है वो वाली जेनिटल वाली सिस्टम वाली, ठीक हो गया। ये आगे आगे वो क्या कह रहे हैं, ये जो है ना प्रीनियल बॉडी, एक प्रीनियल बॉडी जो है आगे हम पढ़ेंगे, ये ना ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला सेंटर वाला पॉइंट, ये प्रीनियल बॉडी नज़र आ रहा है ना, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे 10 मसल जो होते हैं ना वो आके ना इनके समझो उन सब ने वहीं पर आ गए, ठीक है, वहाँ पर एक प्रीनियल पर वो बॉडी बना देंगे जिसकी वजह से हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना उनको सपोर्ट मिलती है, समझ आ गई है, ये प्रीनियल बॉडी इसको कहते हैं, ठीक है। आपको क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना क्या इसको कहते हैं, अगर ये ना हो ना, ठीक है, ठीक है, अगर इसका अगर इसकी इंजरी वगैरह हो जाए, उसको रिपेयर ना किया जाए ना, तो इसकी वजह से यूट्रस जो होता है उसका प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है। आगे वो क्या कह रहे हैं, इसको जो पुडेंडल नर्व है ना उसने हमारे सारे स्ट्रक्चर जो है ना इनके स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन और यानी कि यूरोजेनिटल और एनल ट्राइंगल, ये आगे हम दोनों पढ़ेंगे ट्राइंगल, इन दोनों को सब किसने सप्लाई करना, पुडेंडल नर्व ने कर देना, ठीक है ना, आगे सारा खत्म।